हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जैन सिंह नरसिंह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनकम। आज पीडियाट्रिक नर्सिंग का स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद माइलस्टोन्स पढ़ेंगे। और कोशिश रहेगी कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक या दो क्वेश्चन रिफ्लेक्सेस से पूछा जाता है कि कौन सी रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, कौन सी रिफ्लेक्स डिले डिसअपियर होने का रीजन क्या हो सकता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी रिफ्लेक्स जेस्टेशनल एज में कौन से टाइम डेवलप होती है, इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि रिफ्लेक्सेस फिनिश होने के बाद आपको कोई क्वेरी ना रहे। मैं यहां इमेज और थ्योरी दोनों पुट करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद एमसीक्यू पूछूंगा आपसे। तो फटाफट इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग का आप सभी लर्न कर पाए और उन बच्चों तक पहुंच पाए जो नहीं आ पा रहे। सीके मेघवंशी, नेहा, विकास, भरत, अशोक, रूपा, सुनील, रूपाली, प्रदीप, रेखा, ज्योति, प्रदीप शर्मा, गिरिराज, महेश, पिंटू, सुमन चौधरी, पृथ्वीराज, दयाराम, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैक्सिमम क्वेरी वाली क्वेरी को मिनिमाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और लगातार जो आप लोगों की डिमांड कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को लेके हैं, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इतना भरोसा जेएनसी परिवार पे करने के लिए, हजारों लोग पिछले 2 से 3 महीने में जेएनसी का कंप्लीट कोर्स ले चुके हैं और उनके शानदार रिव्यू के साथ लगातार बैचेस में क्वेरीज जो है बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली उस कोर्स की इंफॉर्मेशन देते हुए कैरी करता हूं बच्चों, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स जो वन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम JINC जोधपुर में अवेलेबल है। इस कोर्स की प्राइस जो है अभी भी 6499 है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाकर JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में बाय नाउ पे क्लिक करना है, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सेलेक्ट करना है और पेमेंट पे करना है। देन लॉग आउट और लॉग इन करने के बाद आप इस कोर्स को कंप्लीटली वॉच कर सकते हो। इस कोर्स की खास बात, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ रीजनिंग, मैथ्स, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, एवरीथिंग वी आर पुट इट देयर, इवन OT ICU, हर यूनिट वाइज टेस्ट, टेस्ट के साथ रैशनल, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर, और वो कंप्लीट मटेरियल जो चाहिए सिलेक्शन के लिए वो सब हमने पुट किया है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जुड़िए JINC परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। तो देर किस बात की, थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। ऑलमोस्ट 700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कनेक्ट हो चुके हैं। आज की जर्नी को कैरी ऑन करने से पहले, हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं, हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। वो हर सुबह हमें एक नया जन्म देती है, एक नया कुछ करने की उम्मीद देती है, और यही इंपॉर्टेंट है कि आज आपने क्या किया है। आज आपका जन्म हुआ तो आज क्या अचीव किया है, कल जब दोबारा जन्म होगा तो क्या अचीव करोगे। दैट मींस हर डे की इवनिंग में बेड पे जाने से पहले डे के आउटपुट का एनालिसिस जरूरी है। जिंदगी में यदि लगातार आपको प्रोग्रेस करना है, सिर्फ बातों से, प्लानिंग से, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। उन बातों को, उन प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। हर डे वो एक्टिविटी जो आपने प्लान की है उसको क्रॉस करना पड़ता है कि यस आई डिड इट, मैंने ये कर लिया है, कल ये करूंगा, तो कल ये करना है। दिस इज द वे टू हाउ गेट सक्सीड इन योर लाइफ। तो आपको हर दिन जब आपका नया जन्म होता है, हर सुबह कुछ नया करना। मैं कहता हूं बच्चों, क्लास फिनिश होने के बाद खुद से पूछो कि आज मैंने क्या लर्न किया है। दैट इज योर अचीवमेंट ऑफ आफ्टर टेकिंग क्लास। शाम को बेड पर जाने से पहले पूछो कि आज मैंने क्या नया किया है, मेरी लाइफ में मैंने क्या अच्छा ऐड किया है। दैट इज योर अचीवमेंट। मैं हमेशा कहता हूं, ना बुरा करना, ना बुरा सुनना, ना बुरा देखना, हमेशा अच्छा करना है, खुश रहना जिंदगी में। इसी एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है।
वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट न्यू टॉपिक. और आज का जो न्यू टॉपिक होगा बच्चों, रिफ्लेक्सेस विच इज बिलोंग फ्रॉम द पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिफ्लेक्सेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ये इनिशियल जो पोर्शन है जब 5 to 6 एमसीक्यू ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है. आई विल ट्राई टू डू, मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको ऑलरेडी करवा रखा है, हम रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी पढ़ेंगे. ओके फाइन, शॉर्टली पहले देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स, क्या होता है रिफ्लेक्स. ये सारा खेल जो है नर्वस सिस्टम का. आई वॉज पुट इट वेरी वेल, रिफ्लेक्सेस का मतलब जो रिफ्लेक्सेस का मूवमेंट होगा वो बच्चों इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, ध्यान रखना. दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. पहला ही क्वेश्चन यहां पर बनता है कि रिफ्लेक्स जो है हम चाह करके रिफ्लेक्ट नहीं करते, दैट इज अ इनवॉलेंट्री मूवमेंट. और ये रिफ्लेक्सेस, ज्यादातर रिफ्लेक्सेस जो होगा बर्थ के 4 to 6 मंथ के बाद डिसअपियर हो जाती है. जैसे जैसे आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करने लगता है द रिफ्लेक्सेस इज गोइंग टू बी डिसअपियर. That means my loving future nursing officer question पूछेंगे कि reflexes का जो respond होता है कौन सा बच्चों, involuntary और automatic. ये terms आपको याद रखते हैं. ये पहला question competitive exam में पूछा जा सकता है कि reflex के movement कौन से, voluntary या involuntary. तो आपको answer put करना बच्चों involuntary, मतलब अपने आप. Involuntary और automatic action that your body does is respond to the something without your even having to think about. मतलब आपने किसी पर्टिकुलर वर्क, बॉडी के वर्क के बारे में सोचा नहीं, और बिना सोचे यदि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दैट मींस यू डोंट डिसाइड टू किक योर लेग बट इट जस्ट किक. आप नहीं चाहते हो, ना डिसाइड किया कि मुझे लेग से किक मारना है, बट योर लेग इनवॉलेंट्री विल डू किक, विल डूइंग एक्टिविटी लाइक किक. दैट इज अ रिफ्लेक्स, दैट इज अ मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स. याद रखना रिफ्लेक्सेस का मतलब जैसे इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है. यू डिडंट डिसाइड कि मुझे ये करना है, बट दैट विल बी हैपन, वो अपने आप हो जाता है. दैट इज अ मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स. अब हम बात करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूबॉर्न और इन्फेंट रिफ्लेक्स. मैंने एग्जैक्टली पहले आपको रिफ्लेक्स का मीनिंग बताया. रिफ्लेक्स में पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा मूवमेंट होता है, तो इनवॉलेंट्री पुट करना है. दूसरा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई वुड पुट इट वेरी वेल, newborn or infant reflexes are reflexes baby is born with or it tell us how well that nervous system is functioning and developing. That means when nervous system cannot completely function tab reflex present hoga. Jab nervous system completely function karne lag jayega to ye automatic system hat jayega, ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस हट जाएगा. तो हमेशा याद रखना ये नर्वस सिस्टम के फंक्शन के इंप्रूवमेंट को, पर्टिकुलर फंक्शन को डेवलप होने को रिफ्लेक्ट करता है. जब नर्वस सिस्टम कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तो धीरे धीरे आपकी ये रिफ्लेक्सेस बच्चों क्या होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है. इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. वी आर गोइंग टू सी एग्जैक्टली नियोनेटल रिफ्लेक्स और जिसको हम प्रीमेट्यू, देखिए मैं प्रोटेक्टिव और प्रीमेट्यू दो तरह की रिफ्लेक्सेस आपको पढ़ाऊंगा बच्चों. प्रीमेट्यू रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मैं यहां पर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस के बारे में भी पढ़ाऊंगा. प्रीमेट्यू रिफ्लेक्सेस का मतलब आर प्रेजेंट एट बर्थ. डेफिनेटली दोनों ही एट बर्थ प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट एट बर्थ आर ग्रेजुअली इनहिबिटेड बाय द हायर सेंटर इन टू द ब्रेन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 12 मंथ ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ. मतलब जब बच्चे का बर्थ हो गया, बर्थ होने के नेक्स्ट बच्चों 3 to 12 मंथ की जो पोस्ट नेटल लाइफ होगा, इस लाइफ में ऑलमोस्ट जो रिफ्लेक्सेस है वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगी, फंक्शन उनके लॉस हो जाएंगे. दैट मींस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, अपन नियोनेटल रिफ्लेक्सेस को प्रीमेट्यूर रिफ्लेक्सेस के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं. एक मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों प्रोटेक्टिव, एक आपको पढ़ाऊंगा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. आगे पढ़ेंगे हम Furtherly, we are going to see कि कौन कौन सी reflexes होगा. तो that is exactly meaning. We can see. अब एक इमेज पुट किया है, इस इमेज को देख के आपको फटाफट आंसर पुट करना है कि ये कौन सी रिफ्लेक्स है बच्चों, ये कौन सी रिफ्लेक्स है. पुट द आंसर एवरीबडी, देन विल गो इन डिटेल. हम एक एक उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है. आपको फटाफट इस रिफ्लेक्स का आंसर पुट करना. बेबी लुक्स फ्रंट और बेबी के जस्ट लिप्स के साइड में टच किया जा रहा है और बेबी उस तरफ टर्न करके माउथ को ओपन कर रहा है. इस रिफ्लेक्स को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, फटाफट आंसर पुट करिएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, क्योंकि एग्जाम में इमेज में क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जाम में
थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है बच्चों में आई विल डिस्कस विद यू। तो फटाफट आंसर पुट करना कि ये कौन सी रिफ्लेक्स है, इमेज को देखे क्या बात है। ऑलमोस्ट बच्चों ने रूटीन रिफ्लेक्स पुट किया है, लगभग 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करे बच्चों। फटाफट लाइक करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूं, आज क्लास को खत्म होने के बाद जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। जरूर आप जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के बाद में और रेटिंग देना होता है, व्हाट यू थिंक अबाउट जेआईएनसी, क्या सोचते हो आप जेएनसी के बारे में, जरूर रेटिंग पुट करना ना भूलें। चाहे वो 1 स्टार पुट करें चाहे 5 स्टार, क्या आप सोचते हो जेएनसी के बारे में जरूर पुट करिएगा। ये आपका असाइनमेंट है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्लास फिनिश होने के बाद प्ले स्टोर पे जाके जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके वहां रेटिंग पुट करना है, क्या सोचते हो आप जेएनसी के बारे में लिखना है। दैट इज अ वे हाउ योर जेएनसी गोइंग टू बी प्रोग्रेस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी लोगों ने रूटीन रिफ्लेक्स पुट किया, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल सही आंसर। हम इसको सकिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, रूटीन को बच्चों सकिंग रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। और ये मेनली रोल प्ले करता है बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग में, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। रूटीन रिफ्लेक्स जब हम चेक करेंगे एग्जामिनर, तो तरीका बताऊंगा। रूटीन रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स को विल कॉमनली यूज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मदर के ब्रेस्ट को सक करने में ये रिफ्लेक्स मेजर रोल प्ले करता है बच्चों। ओके फाइन, इसके अलावा यू कैन सी एवरीबडी, अब जब भी हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, ध्यान से देखना, यहां सारी कहानी समझ में आनी चाहिए बच्चों। When corner of mouth और cheek और lips, देखिए ये बच्चे का mouth है, mouth का corner या lips का corner या cheek का corner, cheek का ये corner होगा बच्चों। यहां पर जैसे हम touch करेंगे, stimulate करेंगे, when the corner of mouth, cheek और lips we touches, the newborn are stimulated by examiner। जैसे आप touch करोगे तो बेबी क्या होगा बच्चों, स्टिमुलेट होगा। और स्टिमुलेट होने क्या एक्ट करेगा, न्यूबॉर्न टर्निंग ऑफ हिज और हर हेड टूवर्ड्स स्टिमुलेटिंग साइड एंड ओपन द माउथ। कितना इजी वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। आपको क्या करना है, एग्जामिनर जैसे पेशेंट के चीक के कॉर्नर पे, लिप्स पे, माउथ के कॉर्नर पे टच करेगा, टच करते ही जब स्टिमुलेशन होगा तो बेबी आपका उस टचेस पार्ट की तरफ गर्दन को टर्न करेगा और माउथ को ओपन करेगा। और माउथ को क्या करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ओपन करेगा। दैट मींस विल इंडिकेटिंग पेशेंट हैव रूटीन रिफ्लेक्स, मतलब रूटीन रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है। देखिए बच्चों ये रूटीन रिफ्लेक्स जो है ये लगभग 3 to 4 मंथ में डिसअपियर होता है। कब, व्हेन द बेबी अवेक, जब बच्चा अवेक है, जब जग रहा है उस समय, तो 3 to 4 मंथ में ये डिसअपियर हो जाता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। और व्हेन द बेबी इज ऑन स्लीप, सो रहा है, नींद में सो रहा है, स्लीपिंग में है, तो ये 5 to 6 मंथ तक डिसअपियर होगा। लगभग 4 मंथ के बाद में भी प्रेजेंट होगा, 4 मंथ के बाद में भी प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि व्हेन द बेबी अवेक, व्हेन विल बी डिसअपियर 3 to 4 मंथ, When the baby in sleep, when will be disappear 5 to 6 months। और सिर्फ आपको सीधा पूछे है कि एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो रूटीन रिफ्लेक्स है, जो रूटीन रिफ्लेक्स है कब डिसअपियर होता है, कब डिसअपियर होता है, तो आपको आंसर बच्चों 3 to 4 मंथ लिखना है। और पर्टिकुलर अवेक और स्लीप का पूछे तो वेरिएशन पुट करना ना भूलना, वेरिएशन पुट करना ना भूलना बच्चों। 3 to 4 मंथ when the baby अवेक और 5 to 6 मंथ when the baby in sleep, ये दोनों अलग अलग पैरामीटर बता रहा हूं कि क्वेश्चन दोनों बनते हैं एग्जाम में। ज्यादातर 3 to 4 मंथ वाला पूछा जाता है, तो आपको 3 to 4 मंथ पुट करना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। हम बात करें बच्चों रूटीन रिफ्लेक्स और वी कैन से सकिंग रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों में ये रिफ्लेक्स अब्सेंट होती है। आप जब भी टच करोगे कॉर्नर ऑफ लिप्स को, माउथ को और चीक को, बेबी कैन नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो दैट मींस ये रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चों, अब्सेंट होगा। और मैंने क्लियरली लिखा है यदि ये रिफ्लेक्स बच्चों अब्सेंट है, यदि ये रिफ्लेक्स अब्सेंट है तो क्या इंडिकेट करता है, ये ब्रेन डैमेज को इंडिकेट करता है बच्चों, ये ब्रेन डैमेज को इंडिकेट करता है। जब पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो जाता है, द पेशेंट कैन नॉट एबल टू रेगुलेट द रिफ्लेक्सेस। और ये लिखा बच्चों
आफ्टर बोथ साइड टचेस, मतलब आपने पहले राइट साइड में टच किया, बेबी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर आपने लेफ्ट साइड में टच किया, फिर भी बेबी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दैट मीन्स ब्रेन डैमेज है। वन साइडेड रिस्पॉन्ड नहीं करना वी कैन नॉट से, बट जब बोथ साइड आपने देखा, पहले आपने राइट साइड देखा फिर आपने लेफ्ट साइड देखा, बट बेबी ने दोनों तरफ रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब ब्रेन क्या हो जाएगा बच्चों, डैमेज हो रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फाइन, अब क्या होता है, यह रूटीन रिफ्लेक्स जो है, रूटीन रिफ्लेक्स कभी कभी यदि पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड आउट नहीं हुआ तो कुछ एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट कर सकता। एक तो मैंने यहां पर पुट किया बच्चों, ये ब्रेन डैमेज को रिफ्लेक्ट करता है, और यदि ब्रेन डैमेज नहीं है तो पर्टिकुलर नर्व डैमेज हो सकता है, पर्टिकुलर नर्व डैमेज हो सकता है। तो मैंने यहां हिंट पुट किया बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यदि एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बच्चे का फेस है, ये बच्चे का फेस है, ये बच्चे का लिप्स है, आपने ये आपका राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, यू कैन सी एवरीबॉडी, ये आपका बच्चों लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। जब आपने बेबी के लिप्स के राइट साइड भी टच किया रिस्पॉन्ड नहीं मिला, लेफ्ट साइड भी टच किया रिस्पॉन्ड नहीं मिला, इसका मतलब क्या था, ब्रेन डैमेज। और यदि ये एसिमेट्री है, एसिमेट्री का मतलब एक तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है और एक तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि आपने बेबी को टच किया, अगेन मैं पुट करा बच्चों, अगेन पुट करा हूं, ये बेबी है, ये बेबी के लिप्स है, ये बेबी के लिप्स है, और आपने ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, जैसे आपने राइट साइड में टच किया, जैसे आपने राइट साइड में टच किया तो बेबी नॉट रिस्पॉन्डिंग, ध्यान से देखिए बच्चों, नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग। वही आपने लेफ्ट साइड में जैसे ही टच किया, लेफ्ट साइड में जैसे ही टच किया तो बेबी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, बेबी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, इसका मतलब एबनॉर्मलिटी एक तरफ है, एबनॉर्मलिटी एक तरफ है। ये किस कंडीशन में हो सकता है, दैट मींस व्हेन एसिमेट्रिकल रूटीन रिफ्लेक्स फाइंड आउट, तो क्या इंडिकेट कर सकती है बच्चों, याद रखना, वन डाइड नॉर्मल अदर साइड डैमेज, एक तरफ जो है वन नॉट डाइड फाइंड, वन फाइंड, एक तरफ नॉर्मल फाइंड आउट हुआ, एक तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चों, बेल्स पाल्सी हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, बेल्स पाल्सी हो सकता है। मैंने एक इमेज पुट किया बच्चों, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा बेल्स पाल्सी के बारे में भी, तो बेल्स पाल्सी इंडिकेट करेगा कब, जब रूटीन रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल है बच्चों, एसिमेट्रिकल का मतलब वन साइडेड प्रेजेंट है, अनदर साइड अब्सेंट है, दैट विल बी इंडिकेटिंग बेल्स पाल्सी। इसका दूसरा नाम है एक्यूट पेरिफेरल फेशियल पाल्सी, ये दोनों नाम से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, बेल्स पाल्सी का ही दूसरा नाम है बच्चों, एक्यूट पेरिफेरल पाल्सी। एग्जैक्टली देखा जाए तो बेल्स पाल्सी अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व। आप सबको पता है बच्चों, सेवंथ क्रेनियल नर्व को हम बोलते हैं फेशियल नर्व। जब हम पढ़ते हैं ट्वेल्थ पेयर या ट्वेल्थ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, हम 10-12 पेयर क्रेनियल नर्व पढ़ते हैं, जिसमें याद रखने का तरीका भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं फटाफट। यू कैन सी एवरीबॉडी जब हम बात करें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर क्रेनियल नर्व का मतलब होता है O3T2 आशीष के फादर, वेरी गुड, वाह। देखिए ये 12 पेयर क्रेनियल नर्व, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाएंगे। O3T2AFVGVH सिंपली भाषा में OT में आशीष के फादर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, OT में आशीष के फादर, वेरी गुड, वाह। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, OT में आशीष के फादर, वेरी गुड, वाह, दैट इज अ वे हाउ टू रिमेंबर। अब यहां O3 करना है, T2 करना, OT में आशीष के फादर, वेरी गुड, वाह, इससे आपको 12 पेयर क्रेनियल नर्व याद हो जाएगा। मैं आगे बहुत सारे ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कॉम्पिटेटिव पर्पज के। O3 से याद रखना, एक हम पढ़ते बच्चों ऑल्फैक्ट्री, एक पढ़ते ऑल्फैक्ट्री, दूसरा पढ़ते बच्चों ऑप्टिक, और तीसरा पढ़ते ओक्यूलोमोटर, तीसरा पढ़ते ओक्यूलोमोटर, तो ये हो गया O3।
दैट मींस ओटी में आशीष के फादर, वेरी गुड, वाह क्या बात है ज्योति सैनी बच्चा, बहुत बढ़िया। टी से याद रखना टॉक क्लियर, टी से याद रखना टॉक क्लियर और ट्राइजीमिनल, क्या याद रखना बच्चों ट्राइजीमिनल, ऑल्फैक्टिक ऑप्टिक ऑक्युलोमोटर ट्रॉक्लियर ट्राइजीमिनल। ओटी से क्लियर हो गया, ओ थ्री टी टू, ओटी में आशीष के फादर। ए से याद रखना अब्ड्यूसेंस, ऐसे याद रखना बच्चों अब्ड्यूसेंस। देन फादर से याद रखना फेशियल, फादर से याद रखना बच्चों फेशियल, यू कैन सी फेशियल नर्व। देन ओटी में आशीष के फादर। वी से याद रखना वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वी से याद रखना बच्चों वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। देन जी से याद रखना ग्लोसोफेरिंजियल, जी से याद रखना ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। वी से याद रखना बच्चों वेगस, वी से याद रखना वेगस। ए से याद रखना एसेसरी और एस से याद रखना हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल। दिस इज द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, दैट इज अ वे हाउ टू रिमेंबर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओटी में आशीष के फादर, वेरी गुड, वाह। ओटी से ओ थ्री, ओटी से ओ थ्री याद रखना ऑल्फैक्टिक ऑप्टिक ऑक्युलोमोटर। टी टू से याद रखना ट्रॉक्लियर ट्राइजीमिनल। नंबर से याद करने होंगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे नंबर से याद करने होंगे। देन आशीष से याद रखना अब्ड्यूसेंस, फादर से याद रखना फेशियल, वी से याद रखना वेस्टिबुलो कॉक्लियर, देन वेरी गुड से याद रखना ग्लोसोफेरिंजियल और वहां से याद रखना वेगस, ए से याद रखना एसेसरी, एस से याद रखना हाइपोग्लोसल। नेवर फॉरगेट, दिस इज अ वे हाउ टू रिमेंबर क्रेनियल नर्व। आई होप एवरीबडी गेट द राइट आंसर, कभी भी भूलना मत। ओटी में आशीष के फादर, वेरी गुड, वाह का मतलब पूरे क्रेनियल नर्व याद, और इन सब में वेगस नर्व को बोलते हैं लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व में सबसे लॉन्ग होता है बच्चों वेगस, याद रखिएगा। ओके फाइन, अब मैं आपको यहां पर मेंशन कर रहा था बच्चों, हम बात कर रहे थे पेशेंट को फेशियल पाल्सी का, बेल्स पाल्सी का, और बेल्स पाल्सी मैंने बताया था सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज होता है, और सेवंथ कौन सा बच्चों मिक्स्ड है, मतलब यहां पर सेंसरी भी रिस्पॉन्स है मोटर भी, दोनों काम है, दैट वी कैन से मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। अब आता थी मिक्स में, मोटर जो है कंट्रोल ऑल मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, भाई रिस्पॉन्ड कौन करता है, फेशियल मसल्स। फेस में बताता हूं बच्चों, आपका जो फेस होता है, फेस एट मसल से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, योर फेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मसल्स, फेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मसल्स, आपको आंसर लिखना एट मसल्स। और फेशियल मसल्स को कौन से नर्व नर्व सप्लाई करता है, सेवंथ क्रेनियल नर्व, सेवंथ कौन सा था मिक्स था, और जिसमें मोटर क्या करता है बच्चों मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, और सेंसरी क्या करता है रिसीव टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग थ्रू द कोडा टिम्पेनी, कोडा टिम्पेनी के द्वारा सेंसरी पोर्शन टेस्ट को रिसीव करता है। ये मैं एग्जैक्टली फंक्शन बता रहा हूं बच्चों, ये मैं एग्जैक्टली फंक्शन बता रहा हूं, सेंसरी रिसीव करता है टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग टू द कोडा टिम्पेनी, ये एग्जैक्टली फंक्शन है। और जब पेशेंट का ये सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज होगा तो बेल्स पाल्सी होगी, और बेल्स पाल्सी की वजह से बच्चे में क्या होगा बच्चों एसिमेट्रिकल रूटीन रिफ्लेक्स होगा। नेवर फॉरगेट, दोनों चीजें मैंने अलग अलग आपको मेंशन की है, आई होप यू विल बी गेट इट एवरीबॉडी। तो आप बता सकते हो कि रूटीन रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल किसमें होगा, तो क्या इंडिकेट करेगा, हम बेल्स पाल्सी को पढ़ेंगे बच्चों। दोनों तरफ अब्सेंट है, इसका मतलब क्या था, ब्रेन डैमेज है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन कॉमन जो बनता है कि व्हेन विल बी डिसअपीयर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, तो मैंने अवेक और स्लीप का अलग अलग बताया, दोनों ड्यूरेशन आपको याद रखना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ये तो बात होगी बच्चों रूटीन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आता है स्वलोविंग, एक छोटा सा टर्म से यहां पर इसको भी मैं क्लियर करता हूं, फर्दर रिफ्लेक्सेस की तरफ बढ़ूंगा। स्वलोविंग रिफ्लेक्स जो है स्पॉन्टेनियसली डेवलप होता है, स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है अपने आप, ये जब मदर को बेबी सक करता है या किसी भी फ्लूड को ऑब्टेन करता है, उस समय स्वलोविंग रिफ्लेक्स उस फ्लूड को, उस ब्रेस्ट मिल्क को स्वलो करने में मदद करता है। दैट विल बी डेवलप स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब होता अपने आप, स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या होता है बच्चों अपने आप। और न्यूबॉर्न जब स्वलो करता है इन द कोऑर्डिनेशन विद द सकिंग विदाउट गैगिंग कफिंग वोमिटिंग, मतलब जैसे ही वो निपल को, बेबी निपल को जब कैप्चर करता है और सक करता है किसको बच्चों मिल्क को, और बिना कफ किए, बिना वोमिटिंग किए हुए, इवन बिना गैगिंग किए हुए
स्वलो कर लेता है तो कौन सी रिफ्लेक्स जो बच्चों डेवलप होती है स्पॉन्टेनियसली, स्वलोइंग, कौन सा बच्चों स्वलोइंग रिफ्लेक्स डेवलप होती है। ओके फाइन, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक इमेज और पुट किया, फटाफट आंसर पुट करेगा। यहां पर आप देखिएगा बेबी जो है वन हैंड को अप कर रहा है, बेबी की इमेज को देखिएगा और मुझे रिफ्लेक्स का नाम बताइएगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, क्या नाम है इस रिफ्लेक्स का, फटाफट आंसर पुट करेगा। अभी तक हमने रूटीन और स्वलोइंग रिफ्लेक्स के बारे में जानना है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स। लगभग 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, फॉर द राइट आंसर एवरीबॉडी, इफ यू आर एबल टू गिव आंसर पुट इट, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर यू शुड वेट। क्या बात है, क्या बात, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां टॉनिक नेक रिफ्लेक्स पुट की जा रही है। यस बिल्कुल बच्चों, ये टॉनिक नेक रिफ्लेक्स ही है, इसको अपन टॉनिक नेक का दूसरा नाम है फेंसिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। एक टर्म्स मैंने यहां लिखा, ये आपको जानना जरूरी होगा, मैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में एसिमेट्रिकल भी बताऊंगा और सिमेट्रिकल भी बताऊंगा, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल किस किस में होता है मैं वो भी बताऊंगा, तो ये अपने को जानना बहुत जरूरी है। एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, एसिमेट्रिक का मतलब बच्चों वन साइडेड और सिमेट्रिक का मतलब बोथ साइडेड, दोनों दोनों, मैं पहले एसिमेट्रिक की बात कर रहा हूं। टॉनिक नेक, एक पहला क्वेश्चन यहां पर बनेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, वी कैन से फेंसिंग रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं यहां वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब newborn is falling, you can see while newborn is falling asleep or sleeping, gently quickly turn head to one side. इसमें क्या होगा, जैसे बच्चा सो रहा है, बच्चा नींद में सो रहा है, तो नींद में सोते ही बच्चे को देखा gently अपने आप गर्दन क्या होता है एक तरफ टर्न हो जाता है, जैसे neck one तरफ टर्न होगा बच्चों ध्यान रखना, newborn faces left side. यदि patient का face left side में है तो याद रखना left arm, लेफ्ट लेग एक्सटेंडेड आउटवर्ड वाइल राइट आर्म और राइट लेग फ्लेक्स। मतलब बच्चा इसमें, तरुण भारद्वाज डोनेटिंग 20 रुपीज, बेटा तरुण थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग फॉर स्टूडेंट वेलफेयर फंड, थैंक यू तरुण। मतलब क्या है कि बच्चा लेफ्ट साइड में सोया, तो लेफ्ट साइड में सोएगा तो लेफ्ट हैंड जो है और लेफ्ट लेग है ये दोनों क्या होगा बच्चों एक्सटेंड होगा और राइट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज होगा वो फ्लेक्स्ड होगा। ध्यान से देखो, When the baby sleeping on the left side, बच्चे की गर्दन लेफ्ट साइड में टर्न है तो लेफ्ट हैंड हाथ क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा एक्सटेंड होगा, लेफ्ट लेग क्या होगा बच्चों एक्सटेंड होगा और राइट हैंड जो है वो फ्लेक्स होगा, राइट हैंड क्या होगा बच्चों फ्लेक्स होगा। दैट वी कैन से when the baby is on left side, जस्ट ऑपोजिट हम बात करें बच्चों, when the baby had turned on right side, तो राइट आर्म और राइट लेग क्या होगा आउटवर्ड और लेफ्ट वाला क्या होगा फ्लेक्स्ड, लेफ्ट वाला क्या होगा फ्लेक्स। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इजी वे में पुट कर रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए ये बच्चा है, ये बच्चे की गर्दन है, ये उसके दोनों हाथ और दोनों पैर, में बनाता हूं बच्चों यहां पर, ये पेशेंट के लेग है। यदि बेबी का जो फेस है ये राइट साइड में टर्न हुआ, राइट साइड में टर्न हुआ कब, जब बच्चा स्लीपिंग में, जब बच्चा सोने में गया तो राइट हैंड जो है और राइट हैंड क्या होगा बच्चों एक्सटेंडेड होगा, क्या होगा एक्सटेंडेड होगा और राइट लेग भी क्या होगा बच्चों एक्सटेंडेड होगा, एक्सटेंडेड होगा। ये राइट साइड की बात करो, वही लेफ्ट आर्म जो क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा बच्चों ये फ्लेक्स्ड होगा, लेफ्ट लेग भी क्या होगा बच्चों फ्लेक्स्ड होगा, लेफ्ट लेग भी क्या होगा फ्लेक्स्ड होगा। कब, व्हेन द बेबी इज ऑन राइट साइड। जस्ट ऑपोजिट होगा, जब बेबी का लेफ्ट साइड पे फेस होगा तो लेफ्ट हैंड एक्सटेंड होगा, लेफ्ट लेग एक्सटेंड होगा और राइट साइड वाली एक्सट्रीमिटीज क्या होगी बच्चों फ्लेक्स होगी। इस रिफ्लेक्स का नाम क्या होगा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, क्या नाम है बच्चों टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। आई वॉज पुट इट वेरी वेल और मैंने एसिमेट्रिकल पुट किया, दोनों कंडीशन मैंने पुट किया, बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, राइट और लेफ्ट मैंने दोनों तरफ की पुट किया बच्चों। अब ये डिसअपियर कब होता है, एग्जाम में आता है बच्चों 3 to 4 months, काफी ऐसी रिफ्लेक्सेस है तो 3 to 4 months में डिसअपियर होती है। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, व्हेन द टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या दैट वी कैन से फेंसिंग रिफ्लेक्स गोइंग टू बी डिसअपियर, तो आपको आंसर क्या पुट करना होगा, 3 to 4 months, 3 से 4 महीने में ये रिफ्लेक्सेस जो है डिसअपियर होती है। ये मैं बच्चों बात कर रहा हूं एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब वन साइडेड, जब आप
एक्सटेंड हो गए तो अनदर साइड आप फ्लेक्स्ड हो गए, गेट इट? मतलब जिस तरफ आप एक्सटेंड हो गए उसकी दूसरी तरफ आप क्या होंगे बच्चों? फ्लेक्स होंगे। बात होती अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की, यहां तक कोई क्वेरी नहीं आना चाहिए क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट स्लाइड्स है दैट्स हैव लॉट्स ऑफ एमसीक्यू, वहां बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये नॉर्मल पहले आपको समझ में आना चाहिए, डिसअपियर कब होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत सारे क्वेश्चन को पैरेलल डिस्कस कर सके। ओके फाइन, यहां तक कोई क्वेरी नहीं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब यहां पर आप देखिएगा, अब यहां बच्चा जब खुद को आगे की ओर डाउन करता है तो लेग और हैंड्स के एक्सट्रीमिटीज जो है वो एक साथ वर्क कर रही, वहां क्या था ऑपोजिट साइड था। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इफ आफ्टर 3 to 4 months डज नॉट डिसअपियर, मतलब नॉर्मली 3 से 4 महीने में टॉनिक नेक रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाती है, इफ डज नॉट डिसअपियर इज कन्वर्टेड इन अ सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मतलब यदि 3 से 4 महीने में ये रिफ्लेक्स डिसअपियर नहीं होगा तो दोनों हाथ साथ में एक्सटेंड होंगे, साथ में फ्लेक्स होंगे, दोनों लेग साथ में एक्सटेंड होंगे, साथ में फ्लेक्स होंगे, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। व्हेन डज नॉट डिसअपियर आफ्टर 3 to 4 months दैट इज अ टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सिमेट्रिकल। ये दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, डिफरेंस यदि पता होगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके फाइन, अब मैंने क्लियरली मेंशन किया है फिर कब डिसअपीयर होगा बच्चों? 9 months। यदि पूछे, यदि आपसे पूछे बच्चों कि सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होता है तो आपको आंसर पुट करना 9 months। कब डिसअपीयर होता है तो आपको आंसर पुट करना बच्चों 9 months। जो बताया जा रहा उसी को देखो बच्चों, मैंने कोई पैरासूट का इमेज यहां पर नहीं पुट किया है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा। मैंने 2 reflexes का डिफरेंशिएट किया है, एक मैंने बच्चों एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बताया, दूसरा मैंने सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बताया। एसिमेट्रिकल 3 to 4 months में डिसअपीयर होता है, सिमेट्रिकल जो है वो 9 months पर डिसअपीयर होता है। ये दोनों का डिफरेंशिएट यहां पर आपको देखना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, अब फर्दर आप देखेंगे, फर्दर आप देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, पुट इट एवरीबॉडी, पुट इट एवरीबॉडी। इस रिफ्लेक्स को देख के मुझे फटाफट आंसर पुट करें, किस नाम से हम प्रोनाउंस करेंगे बच्चों, किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, फटाफट आंसर पुट करें। बच्चों याद रखिएगा 10 जनवरी को स्पेशल क्लास होगी आप लोगों के लिए जिसमें स्पेशल स्मार्ट 100 एमसीक्यू आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 10 जनवरी को कम से कम 5000 लाइव फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चाहिए और वो 100 बेस्ट एमसीक्यू होंगे जो आने वाले टाइम में आपको मदद करेंगे। और याद रखना बच्चों उस 100 एमसीक्यू को क्लास के बाद प्राइवेट कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। जो लाइव होगा वो अटेंड कर पाएगा और जो लाइव नहीं होगा उसको क्लास नहीं मिलेगी। तो इस क्लास के लिए आप अभी से प्रिपेयर रहिए, छुट्टी लेके रखिएगा। 10 जनवरी संडे को ठीक 4 बजे 100 स्मार्ट एमसीक्यू जेएनसी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, वो स्पेशल होंगे आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप अभी से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और क्लास उसके बाद प्राइवेट कर दी जाएगी। बच्चों फटाफट आंसर पुट करिएगा, व्हाट इज द नेम? यस, ज्यादातर बच्चों ने लिखा मोरो रिफ्लेक्स और आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं बता दूं बच्चों मोरो रिफ्लेक्स जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वीक एंड जेस्टेशन 28 to 32 weeks में डेवलप होता है, इसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं। देखिए जब हम ट्राइमेस्टर की बात करें बच्चों, ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमेशा एवरीबॉडी नो वेरी वेल हम 0 to 12 weeks का बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 28 weeks का होता है बच्चों, और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 weeks का हम कंसीडर करते हैं, ऑलमोस्ट 28 to 32 weeks में। तो दैट विल बी कम अंडर द थर्ड ट्राइमेस्टर, किसमें आता है बच्चों? थर्ड ट्राइमेस्टर। तो मोरो रिफ्लेक्स जब बच्चा थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है मदर के वूम में, उस समय ये डेवलप होता है। एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हेन विल बी डेवलप दैट इज अ मोरो रिफ्लेक्स इन द ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड, तो आपको आंसर लिखना है 28 to 32 weeks। ओके फाइन, इसके बाद अब देखना है कि मोरो रिफ्लेक्स को कैसे फाइंड आउट करें। 2 questions यहां पर पहले ही बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा बच्चे को किस पोजिशन में होल्ड करना, सेमी सिटिंग पोजिशन। सेमी सिटिंग को आप सेमी फाउलर बोल सकते, सेमी सिटिंग को सेमी फाउलर बोल सकते हो, जो 30 टू
45 डिग्री एंगल की पोजीशन होती बच्चों। जब भी आप बेबी को होल्ड करोगे तो सेमी सिटिंग पोजीशन में रखना, और सेमी सिटिंग पोजीशन में रखने के बाद में शुड अलाउ हेड एंड ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है बच्चों, ट्रंक का मतलब होता है गर्दन से लेके वेस्ट तक का, ये जो हिस्सा इसको हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। अलाउ द बेबी हेड एंड ट्रंक टू फॉल बैकवर्ड एटलीस्ट 30 डिग्री एंगल। बच्चे के गर्दन को पीछे की ओर 30 डिग्री एंगल पे फॉल डाउन होना, और ऑलमोस्ट आप ट्रंक को भी पीछे की ओर अलाउ करना है। जब आप मोरो रिफ्लेक्स को चेक करोगे, जब आप मोरो रिफ्लेक्स को चेक करोगे बच्चों के, और ध्यान रखना फिर क्या होगा, न्यूबॉर्न अज्यूम शार्प एक्सटेंशन एंड अबडक्शन, या तीन इवेंट पढ़ने, अबडक्शन, अडक्शन और क्राई। मैं तीनों इवेंट आपको बताऊंगा। Newborn assume that sharp extension and abduction of arm with thumb and forefinger in a she. जैसे ही abduction का मतलब होता बच्चों towards, जैसे ही आप बेबी को ऐसे होल्ड करोगे तो दोनों हाथ बच्चे के पास में आएंगे, that we can, sorry, abduction का मतलब होता outward, abduction का मतलब होता बच्चों outward, ध्यान रखना outward, और abduction का मतलब होता toward। जैसे ही आप बेबी को छोड़ोगे तो हाथ outward होंगे, और ये फिंगर और थंब क्या होगा, सी शेप में, ऐसे मुट्ठी बंद हो जाएगी, सी शेप में होगा बच्चों। देन दिस इज फॉलोड बाय फ्लेक्शन एंड अडक्शन। अडक्शन का मतलब होता है बच्चों टूवर्ड्स, अडक्शन का मतलब होता है टूवर्ड्स, अपनी तरफ। जैसे ये इवेंट हुआ तो बच्चे का एक्सट्रीमिटी फ्लेक्स होगा और अडक्शन होगा, इसको बोलते हैं अम्ब्रेस पोजिशन। बच्चों ये टर्म्स याद रखना है, आपने सेमी सिटिंग में बिठाया, सेमी सिटिंग के बाद में बच्चे को जैसे ही आपने हेड को पीछे की ओर फॉल किया और 30 डिग्री एंगल पे फॉल किया, उसमें आपने देखा बच्चे ने क्या किया बच्चों, एक्सट्रीमिटीज को अबडक्ट किया, और अबडक्ट के साथ साथ क्या किया बच्चों, बच्चे ने थंब और फिंगर को सी शेप में होल्ड किया। देन फर्दर जो मूवमेंट हुआ उसमें बच्चे ने फ्लेक्शन, देन अडक्शन, और थर्ड मूवमेंट में बच्चे ने क्या किया बच्चों, क्राई। थर्ड में क्या किया बच्चों, क्राई। दैट यू कैन सी इजी वे में याद रखने का तरीका मैंने पुट किया। यदि आर्म्स को बाहर की ओर स्प्रेड करा सबसे पहले, उसको अडक्शन बोलते हैं, और जब पुल करा उसको अडक्शन बोलते हैं, और थर्ड स्टेप पे बच्चों यूजुअली क्या करता है, क्राई करता है। ये तीनों स्टेप्स जब बेबी प्रॉपर कर पा रहा है, इसका मतलब मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। एक एक वो मीनिंग यहां पर मेजर रोल प्ले करती है इस तरीके के रिफ्लेक्स को लर्न करने में। पहला स्टेप में याद रखना बच्चों, अबडक्शन का मतलब अवे, हाथ दूर की ओर जाएगा और इस तरीके से सी शेप में दोनों हाथ बंद हो जाएंगे। दूसरे में अडक्शन हुआ, और तीसरे में बेबी क्या करेगा बच्चों, क्राई करेगा। ये तीनों इवेंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स द बेबी डज हैव मोरो रिफ्लेक्स। मैं बताऊंगा ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें मोरो रिफ्लेक्स अब्सेंट होता है, इवन वी कैन से मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता है। बट जब नॉर्मल नहीं पता होगा, वी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबनॉर्मलिटीज डिसअपीयर या डिले डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, हम नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है, तीन इवेंट, पहला इवेंट बच्चों अबडक्शन, दूसरा अडक्शन, तीसरा क्राई। अबडक्शन में याद रखना सी शेप पोजिशन रहता है फिंगर और थंब का, देन अडक्शन में याद रखना बच्चों फ्लेक्शन करता है, और थर्ड में बच्चा क्या करता है बच्चों, क्राई करता है। यू गेट इट एवरीबडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर। ये बच्चों मैंने यहां पर बात की है नॉर्मल मोरो रिफ्लेक्स की, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहूंगा। ए बॉडी जर्क मोशन मे बी रिस्पॉन्ड बिटवीन 8 to 18 weeks, ऑलमोस्ट 8 to 18 weeks में ये जर्क मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। बट डिसअपियर का क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिखना बच्चों 6 months। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हेन द मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर, तो यह आपको 6 months मेंशन करना है। अभी तक हम 3 to 4 months को कंसिडर करते आ रहे थे, दैट वी कैन से यदि बात करें बच्चों मोरो रिफ्लेक्स का डिसअपियर होता है 6 months में। ये तो हमने बात की नॉर्मल पैरामीटर की, अब ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है जहां मोरो रिफ्लेक्स फाइंड आउट प्रॉपर नहीं होता है। क्या क्या कंडीशन उसमें हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इफ द परसिस्टेंट रिस्पॉन्स लास्टिंग मोर देन 6 months में बी इंडिकेटिंग न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मिटीज, यदि 6 महीने में डिसअपियर हो गया इसका मतलब तो मोरो रिफ्लेक्स ठीक था, नॉर्मल था, और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है। और यदि 6 months तक डिसअपियर नहीं हुआ तो ब्रेन का डिले डेवलपमेंट की वजह से ये कंडीशन कॉज हुआ, मतलब ब्रेन के जो फंक्शन प्रॉपर टाइम में डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो ये कंडीशन कॉज हुआ, दैट वी कैन से डिले डेवलपमेंटल कैन कॉज।
persistent respond increase for lasting more than 6 months. Exactly motor reflex का disappear कब हो जाना चाहिए बच्चों? 6 months में नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कहा है बच्चों ब्रेन में, लोचा कहा है ब्रेन में, ब्रेन जो है वो delay disappear है. Okay, fine. अब आता है किस किस कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है. यदि 6 months में मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर नहीं हुआ, देखिए क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है. सेरिब्रल पाल्सी बच्चों याद रखिएगा, सेरिब्रल पाल्सी जो है ये जब बच्चा मदर के वूम में होता है, वाइल बेबी इन वूम ऑफ मदर, उस समय बेबी का क्या हो गया बच्चों? ब्रेन डैमेज. जब बच्चा मदर के वूम में, मदर के यूट्रस में है और उसका ब्रेन डैमेज हुआ, और ब्रेन में भी कौन सा पार्ट बच्चों? व्हाइट मैटर. ब्रेन में भी कौन सा पार्ट बच्चों? व्हाइट मैटर. आपने सुना होगा व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पढ़ा होगा. ब्रेन में भी व्हाइट मैटर डैमेज हुआ, और डैमेज क्यों हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. Due to lack of blood supply. ये पूरी कहानी कब की बच्चों? हम ये कहानी की बात करें जब मदर के यूट्रस में बेबी था, उस समय नर्वस सिस्टम में प्रॉपर यदि ब्लड सप्लाई नहीं गई, और ब्लड सप्लाई नहीं गई जिसकी वजह से बेबी का व्हाइट मैटर डैमेज हुआ, और जब व्हाइट मैटर डैमेज हुआ तो क्या कंडीशन डेवलप हुई बच्चों? क्या कंडीशन डेवलप हुई? दैट वी कैन से सेरिब्रल पाल्सी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज. एक सुना होगा आप, एक नाम सुना होगा बच्चों, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया सुना होगा बच्चों. पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, यू कैन सी पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया. पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई रिजल्टिंग डैमेज ऑफ ब्रेन इनटू द इंट्रा यूट्राइन लाइफ. ये टर्म्स, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों. जब बच्चा मदर के यूट्रस में था, उस समय नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से ब्रेन का डैमेज होना क्या कहलाता है? पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया. दिस इज द टर्म्स विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. व्हाट डू यू मीन बाय पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया? द कंडीशन इन व्हेन द बेबी इन द मदर्स वूम lack of blood supply resulting can cause damage of the brain, that condition. और इसकी वजह से क्या डेवलप होता बच्चों? सेरिब्रल पाल्सी. क्या डेवलप होता बच्चों? सेरिब्रल पाल्सी. ओके भाई, बिल्कुल बिल्कुल. निशा शर्मा, बहुत सही आंसर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. अब क्या हुआ बच्चों? एक तो सेरिब्रल पाल्सी की वजह से मोरो रिफ्लेक्स प्रॉपर फाइंड आउट नहीं होगा, उसके अलावा मोरो रिफ्लेक्स किस में अब्सेंट और इंपेयर्ड हो सकता है? कर्निक्ट्रस. आपने सुना होगा बच्चों कर्निक्ट्रस का क्या होता है. कर्निक्ट्रस का मीनिंग बताता बच्चों, कर्निक्ट्रस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली यू कैन सी एवरीबॉडी, आपने सुना है ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर एक तरह आपने सुना होगा हाइड्रोप्स फेटालिस. एक सुना होगा कर्निक्ट्रस. ये कहानी कब होगा? व्हेन द आरएच नेगेटिव मदर रिसीव RH पॉजिटिव. और ये RH पॉजिटिव कब बच्चों? सेकेंड टाइम. एक RH नेगेटिव मदर है, वो सेकेंड टाइम RH पॉजिटिव बेबी को रिसीव कर रही है, तो क्या होगा बच्चों? मैटरनल एंटीबॉडी किसमें चला जाएगा? फीटल ब्लड में. किसमें चला जाएगा बच्चों? फीटल ब्लड में. और वहां पर जाके क्या कर देगा? हीमोलाइसिस. क्या कर देगा बच्चों? हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी. जब आरबीसी ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा बच्चों? बिलिरुबिन. और ये जो बिलिरुबिन है ये एक्सेसिव अमाउंट में बनेगा. क्या होगा? एक्सेसिव. और ये बिलिरुबिन क्या करेगा बच्चों? क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर और कहां पहुंच जाएगा? ब्रेन में पहुंच जाएगा. और ब्रेन को क्या कर देगा बच्चों? डैमेज कर देगा. ब्रेन को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा. और जब ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट में मोरो रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चों? अब्सेंट होगा. ध्यान से सुनना, एक बार फिर से बता रहा हूं. बच्चों, आरएच नेगेटिव मदर है और सेकेंड टाइम आरएच पॉजिटिव बेबी को रिसीव किया, क्यों? फर्स्ट बेबी एस्केपिंग फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन.
पहले बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, सेकेंड बेबी उसने रिसीव किया है, तो डेफिनेटली मैटरनल जो ब्लड था उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट था, वो किसमें चला गया बच्चों, फीटरनल ब्लड, फीटल ब्लड में, और फीटल ब्लड में जाकर उसने क्या कर दिया, हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, और जैसे हीमोलाइसिस करेगा तो डेफिनेटली आरबीसी ब्रेक होती, हीमोग्लोबिन और बिलिरुबिन बनता है, बिलिरुबिन किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, और बिलिरुबिन क्या क्रॉस करेगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचेगा तो क्या करेगा बच्चों, ब्रेन डैमेज करेगा, और जब ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो मोरो रिफ्लेक्स क्या होगा, अब्सेंट होगा, क्या होगा, अब्सेंट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ओके फाइन, इसके अलावा मैंने पुट किया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एसिमेट्रिकल किसमें होगा, एसिमेट्रिकल का मतलब मोरो रिफ्लेक्स जो है बराबर प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या इंडिकेट कर सकता बच्चों, यदि बेबी का क्लेविकल फ्रैक्चर है तो डेफिनेटली पेशेंट के जो हैंड है ना तो अबडक्ट हो पा रहे होंगे ना अडक्शन, एक तरफ से तो हो रहा है दूसरी तरफ नहीं हो रहा है, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, डेफिनेटली एक तरफ प्रेजेंट होगा दूसरी तरफ प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब यदि पेशेंट को राइट क्लेविकल में फ्रैक्चर है तो राइट हैंड में अबडक्शन और अडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, लेफ्ट में प्रॉपर होगा, दैट वी कैन से एसिमेट्रिकल, व्हाट वी कैन से एसिमेट्रिकल। देखिएगा, क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, दूसरा बच्चों ह्यूमरस फ्रैक्चर हो सकता है, दूसरा ह्यूमरस फ्रैक्चर हो सकता है, यदि बेबी का ह्यूमरस ब्रेकडाउन होगा तो भी बेबी अबडक्शन और अडक्शन नहीं कर पाएगा, तो एक तरफ मोरो रिफ्लेक्स अब्सेंट होगा दूसरी तरफ प्रेजेंट होगा, ये छोटी छोटी क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा था बच्चों, क्लेविकल हो गया, ह्यूमरस हो गया। इसके अलावा मैंने काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर पुट किया, आपने सुना होगा एक क्लम्प के पालसी सुना होगा बच्चों, आपने एग्जाम में पूछा, दूसरा आपने इरब्स पालसी सुना होगा, क्लम्प के पालसी और इरब्स पालसी वाले बच्चे में भी मोरो रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल होता है, एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ अब्सेंट, जिधर क्लम्प के पालसी उसका ऑपोजिट प्रेजेंट, जिधर इरब्स पालसी उसका ऑपोजिट प्रेजेंट, ये दोनों वो इंडिकेशन इंडिकेट करता है एसिमेट्रिकल ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, यू कैन सी, मैंने लिखा बच्चों, आपने सुना होगा शोल्डर डिस्टोशिया पढ़ा होगा, आपने शोल्डर डिस्टोसिया पढ़ा होगा बच्चों, और शोल्डर डिस्टोसिया में बेस्ट एग्जांपल एक तो आता है इरब्स पाल्सी और एक आता है क्लम्प के पाल्सी, ये दोनों की वजह से शोल्डर जो है वो डिस्टोसिया डेवलप हो जाता है। मैं दोनों का मीनिंग बताता हूं और लगभग 5-10 एमसीक्यू यहां पर पुट करूंगा, कम से कम 5-10 एमसीक्यू यहां पर पुट करूंगा जो आपको क्लम्प के पाल्सी और इरब्स पाल्सी से बिलोंग करते हैं। आई होप विल बी गेट एवरीबडी। यू कैन सी, सबसे पहले मैं लिखा बच्चों ब्रेकियल पाल्सी, ब्रेकियल पाल्सी का दूसरा नाम है इरब्स पाल्सी, और राजेश डिफॉल्टर डोनेटिंग 20 rupees टू द JNC स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच राजेश फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग JNC स्टूडेंट फंड, दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। ब्रेकियल पाल्सी इरब्स पाल्सी, इसको वाटर टिप हैंड बोलते बच्चों, वेटर देखा होगा आपने होटल्स में जब खाना खाने जाते हैं वेटर को देखा होगा, वेटर जब टिप मांगता है तो इस तरीके का मूवमेंट करता है, हाथ को ऐसे उल्टा करके टिप को लेके पॉकेट में डाल के आगे चला जाता है, इसको वेटर टिप हैंड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। इरब्स पाल्सी, ब्रेकियल पाल्सी, तीसरा नाम वेटर टिप हैंड, वेटर टिप पाल्सी के नाम से प्रोनाउंस किया जा सकता है। मैंने क्लियर मेंशन किया है ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, और ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या डैमेज होगा, सर्वाइकल 5th, 6th, 7th, 8th और थोरसिक 1, और ये जब डेवलप हो जाएगा तो बेबी में ग्रास्पिंग प्रेजेंट होगी, बच्चा ग्राफ्स कर सकता है, ग्रास्पिंग प्रेजेंट होगी क्योंकि यहां अल्नर पोर्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ, अल्नर पोर्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ तो बच्चा ग्रास्पिंग कर सकता है, ये एक स्पेसिफिक फीचर्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट ब्रेकियल पाल्सी, इरब्स पाल्सी, वेटर टिप पाल्सी में याद रखना डैमेज क्या होगा, दैट इज अ C5, C6, C7, C8 to T11, यहां पर आप देखिएगा C5, C6, C7, C8 to T11, ये वो स्पाइनल नर्व बच्चों। पूजा यादव डोनेटिंग 21 rupees टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच पूजा फॉर योर दैट काइंड ऑफ कॉम्प्रेशन। यू कैन सी एवरीबॉडी, जब हम बच्चों स्पाइनल नर्व की बात करें,
जब हम स्पाइनल नर्व की बात करें उसमें आपने देखा होगा बच्चों एट पेयर जो है वो कौन सा होता है, सर्वाइकल होता है। क्या होता है बच्चों? सर्वाइकल। हम उसी की बात करें C5, C6, CA7 और C8, इसमें से डैमेज होंगे और थोरेसिक वन डैमेज होगा, इसका मतलब बच्चे को क्या होगा बच्चों? इरेप्स पाल्सी होगा। वेटर, जिस तरफ ये पाल्सी होगा उस तरफ का हाथ जो है इस तरीके से दिखेगा, उसको हम वेटर टिप हैंड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वेटर टिप हैंड बोलते हैं। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर। दूसरा मैंने लिखा है बच्चों क्लम के पाल्सी और क्लम के पैरालिसिस, इसमें लिखा है क्लॉ हैंड। देखिए क्लॉ हैंड, आपने कभी किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखा होगा, क्लॉ का मतलब होता है ये जो लिटिल फिंगर है और नियर टू द लिटिल फिंगर है, ये दोनों हाथ ऐसे, ये फिंगर ऐसे हो जाएगा क्योंकि क्लम के पाल्सी में बच्चों अल्नर ब्रांच इन्वॉल्व हो रहा है, अल्नर ब्रांच इन्वॉल्व हो रहा है, दैट वी कैन से क्ले हैंड बोलते हैं, क्लॉ हैंड बोलते हैं, ड्यू टू डैमेज ऑफ C8 और T1। यहां पर देखिएगा पूजा पटेल डोनेटिंग 20 रुपीज टू द जेएस स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच पूजा। क्लम के पाल्सी और क्लम पे पैरालिसिस देखिएगा बच्चों, यहां पर देखिएगा एक तो अल्नर नर्व यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, उसके साथ मीडियल नर्व इन्वॉल्व हो रहा है। जब अल्नर नर्व इन्वॉल्व होगा तो लिटिल फिंगर के फंक्शन लॉस होंगे, और जब लिटिल फिंगर के फंक्शन लॉस होंगे तो आपकी ये फिंगर जो है ये दोनों इस तरीके से हो जाएगा, दैट वी कैन से क्लॉ हैंड बोलते बच्चों। दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। क्लॉ हैंड लुक्स लाइक किसमें प्रेजेंट होता है? क्लम के पाल्सी। वेटर टिप हैंड किसमें होता है बच्चों? ब्रेकियल पाल्सी। दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, इट विल बी कमिंग योर आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि क्या डैमेज होगा, C5, C6, C7, C8 और T1 के डैमेज से इरेप्स पाल्सी होगा बच्चों, और C8 और T1 के डैमेज की वजह से क्लम के पाल्सी होगा। इन दोनों की वजह से मोरो रिफ्लेक्स एसिमेट्री होगा, मतलब ये जिस तरफ होंगे उस तरफ मोरो रिफ्लेक्स अब्सेंट होगा, और ये जिस तरफ नहीं होंगे उधर मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। ये एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें ग्रास्पिंग प्रेजेंट होगा। जब हम क्लम के पाल्सी की बात करते हैं बच्चों तो क्लम के पाल्सी में मतलब दो फिंगर इन्वॉल्व होते हैं, तो यहां आप ग्रास्प कर सकते हो, इन तीनों फिंगर से आप किसी भी पार्ट को ग्राफ कर सकते हो। और वेटर टिप में क्या होता है बच्चों? आप उल्टा इस तरीके से आपका हाथ हो जाएगा, यू कैन नॉट एबल टू ग्राफ। अशोक यादव डोनेटिंग 20 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच माय लविंग अशोक फॉर योर कॉपरेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड, थैंक यू अशोक यादव। तो याद रखिएगा बच्चों दोनों में डिफरेंस, ग्रास्पिंग प्रेजेंट मतलब ब्रेकियल पाल्सी, ग्रास्पिंग अब्सेंट का मतलब क्लम के पाल्सी। क्लम के पाल्सी C8 और T1 के डैमेज की वजह से होता है, और ब्रेकियल पाल्सी बच्चों C5, C6, C7, C8 और T1 के डैमेज की वजह से होते हैं, और इन दोनों की कॉज क्या हो सकता है? टू डैमेज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, टू डैमेज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हमने यहां पर मोरो रिफ्लेक्स की बात की, हम मोरो रिफ्लेक्स पढ़ रहे थे। ओके फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट इस इमेज को देख के आपको बताना बच्चों, फटाफट आंसर देना है, ये इमेज कौन से रिफ्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये इमेज कौन से रिफ्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, 1 आवर JINC को देना 24 आवर्स में, और उस 1 आवर्स के बाद खुद से पूछना कि आज तूने क्या पढ़ा, आज तूने क्या सीखा। और यदि आपको जिस दिन आउटपुट ना फील हो उस दिन चैनल पे पढ़ना छोड़ देना बच्चों। मैं हर क्लास में कोशिश करूंगा कि जब आप 1 आवर के बाद खुद से पूछें कि आज मैंने क्या लर्न किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो, और आपकी प्रॉपर्टी की इनकम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो। आपकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? आपका नॉलेज है, और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं निरंतर इसी तरीके से कोशिश करता रहूंगा, ताकि जिंदगी में आप अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा सके। मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा आपसे, बस आपका प्यार और स्नेह हमेशा ऐसे ही बना रहे, आपका भरोसा JNC परिवार पे हमेशा ऐसा ही बना रहे, और इसी भरोसे के लिए JNC की तरफ से जी जान से लगातार आपको बेस्ट वो कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जो आप जिंदगी में आगे बढ़े तो आप में कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। और कभी हारना मत, कभी पीछे मुड़ के मत देखना, जो सोचा है
जो देखा है, जो करना है वो 2021 में करना है। ये अपना ड्रीम ईयर है बच्चों, सपनों का साल है, और इस साल में सपनों को पूरा करना है। अपने पास 12 महीने का वक्त है, और इस 12 महीने को सही यूटिलाइज किया तो आप बच्चों साइकिल से फ्लाइट पे जा सकते हो, और इस 12 महीने में आपने अपने आप को गलत चीजों में डाइवर्ट कर दिया तो आप फ्लाइट से साइकिल पे आ सकते हो। वक्त आपका है, डिसीजन आपका है, और आपके हाथ में ये करना आपके लिए पॉसिबल होगा। यदि आपको साइकिल से फ्लाइट पे जाना है तो मेहनत और बढ़ाएं, कंसिस्टेंसी हार्डवर्क करें, लगातार पढ़ें, डेली 5 बजे उठें, और 5 बजे उठने के बाद में डेली के स्टडी के बाद अपने आप को प्लान करें कि आज शाम तक मुझे क्या करना है। मैंने कहा था बच्चों, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से या किताबी कीड़ा बनने से इंसान नहीं कहलाता है। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करना है, पर्सनालिटी को ग्रो अप करना है। वे ऑफ टॉकिंग क्या आपका, वे ऑफ वॉकिंग क्या आपका, वे ऑफ आपका लिविंग कैसा, रहना सहना कैसा है, लोगों के साथ आपका आईपीआर कैसा है, दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हो, ये हर छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक आप पर्सनालिटी को गूम करते हैं। यदि आप दूसरों का बुरा करोगे मतलब आप खुद बुरे हो, आपकी सोच बुरी होगी इसलिए आप बुराई करते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ना बुरा सोचना, ना बुरा करना, ना बुरा देखना, हमेशा किसी का भला करना, खुद को एक जिंदगी में लगातार मेहनत करते हुए इंसान के रूप में आगे बढ़ाना। पुष्पा डोनेटिंग 40 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच पुष्पा, और ये आपका भरोसा हमेशा कायम रहे। मैं बार बार याद दिला रहा बच्चों, 10 जनवरी को 5000 लाइक, और स्पेशल घोषणाएं उस दिन होगी, आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा, आपको बहुत कुछ होने वाला है, और उसके साथ 100 स्मार्ट एमसीक्यू की क्लास भी होगी जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक इस डेट को, इस टाइम को स्प्रेड करें, ताकि जेआईएनसी का सपना भी पूरा हो, आपका सपना भी पूरा हो, और उस दिन वो चमत्कार हो जो आप जिंदगी भर याद रखें, वो खूबसूरत लम्हे आपकी जिंदगी में दे जो आप जिंदगी भर जहां भी बैठे याद रखें। मैं उम्मीद करूंगा 10 तारीख को आप इस सपने को पूरा करोगे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कैरी ऑन करते हैं, सब बच्चों ने साइट आंसर पुट किया, मैंने यहां पर सिप्लेस का नाम बच्चों पाल्मर पुट किया। मैं आपको पाल्मर ग्राफ्सिंग भी बताऊंगा, आपको मैं प्लांटर के बारे में बताऊंगा, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पाल्मर और प्लांटर याद रखना, पाम किस में होता है बच्चों, हाथ में होता, तो ये पाल्मर रिफ्लेक्स यहां देखेंगे, प्लांटर कहां देखेंगे, सोल में देखेंगे, फुट में देखेंगे। तो दोनों रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होती है, दोनों रिफ्लेक्स की इमेज बताऊंगा, स्पेशल बनने वाला क्वेश्चन यहां पर पुट करूंगा आपको, ध्यान से देखिए। पाल्मर ग्राफ्सिंग, ग्राफ्सिंग का मतलब होता है बच्चों टाइट से पकड़ना, किसी भी पार्ट को टाइट से पकड़ना। दशरथ कुमार डोनेटिंग 40 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच दशरथ। तो पाल्मर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स हो रहेगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी आई वाज पुटेड, प्लेस ए फिंगर इन द पाम ऑफ द न्यू बॉर्न्स हैंड, मतलब कुछ नहीं करना, बच्चे के हाथ में आपको फिंगर को प्लेस करना। जैसे ही आप बच्चे के हाथ में फिंगर को प्लेस करोगे तो बच्चा क्या करेगा, उस फिंगर को होल्ड करने का, कर्ल अराउंड एग्जामिनर फिंगर, कर्ल का मतलब ये बच्चे का हाथ है, ये आपने पाम पुट किया तो धीरे धीरे फिंगर को क्या करेगा, कर्ल का मतलब इस तरीके से मोड़ेगा, लाइक दैट, कर्ल अराउंड द फिंगर, और आप फिंगर को छोड़ाना चाहोगे नहीं छोड़ेगा, दैट रिफ्लेक्स वी कैन से पाल्मर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, पाल्मर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है। सिंपली एग्जामिनर ने फिंगर दिया, बच्चे ने अपने फिंगर को, अपने पाम को उस फिंगर के सराउंडिंग क्या कर लिया बच्चों, कर्ल कर लिया, क्या कर लिया, कल किया, और ये डिसअपियर कब होगा बच्चों, 3 to 4 months होगा, इसको पाल्मर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। मैं प्लांटर और पाल्मर में डिफरेंस बताऊंगा, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, और मैं यहां वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट कर रहा हूं फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय पाल्मिंग ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। बेबी नेहा, गुड इवनिंग डियर। अब नेक्स्ट इमेज को देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट इमेज को देखिएगा, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। मैंने आपको पामिंग रिफ्लेक्स बताया, मैंने पामिंग ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स बताया, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, बेबी नेहा गुप्ता, गुड इवनिंग डियर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स। यस यस, बिल्कुल सही, दैट इज अ बच्चों प्लांटर ग्राफ्स, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांटर, याद रखना, प्लांटर से याद रखना सोल, पाम से याद रखना हैंड, हैंड वी कैन से पाम, और प्लेस द फिंगर एट बेस ऑफ द टो, देखिए इस टो के बेस में फिंगर को प्लेस किया, और प्लेस करते ही न्यूबॉर्न टोज कर्ल डाउनवर्ड, न्यूबॉर्न का टोज क्या होगा, डाउनवर्ड कर्ल होगा, दैट रिफ्लेक्स वी कैन से प्लांटर, दैट रिफ्लेक्स वी कैन से
प्लांटर, और प्लांटर जो है वो 8 मंथ में डिसअपियर होती है बच्चों, 8 मंथ में डिसअपियर होती, दोनों का डिफरेंस जानना जरूरी है। प्लांटर का डिसअपियरिंग कब होता है, पामर का डिसअपियरिंग कब होता है, दोनों में लिटिल बिट कंफ्यूजन है। जैसे पाम या पाम ग्रास्पिंग की बात करें तो आपको पाम को याद रखना हैंड को, प्लांटर की बात करें तो बच्चों आपको डाउन में याद रखना है दैट वी कैन से प्लांटर। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो आज की अपनी जर्नी यहीं तक रहेगी, जिसमें हमने बहुत अच्छे से कोशिश की कि क्या होता है रूटीन रिफ्लेक्स, क्या होता है मोरो रिफ्लेक्स, क्या होता है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, क्या होता है पामर रिफ्लेक्स, क्या होता है प्लांटर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे फर्दर रिफ्लेक्सेस, और मेरी पूरी कोशिश होगी इमेज बेस्ड और थ्योरी बेस्ड बनने वाले हर एमसीक्यू को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपका प्यार और स्नेह हमेशा यूं ही बना रहे, मेरी तरफ से निरंतर कोशिश फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए हमेशा जारी रहेगी। बस ये 4 बजे का टाइम आपके लाइफ में मास्टर हायरार्की थ्योरी वाला फंडा याद रखना बच्चों, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड बोले बेसिक नीड बोले उसमें शामिल कर लीजिएगा, और एक दिन ये जरूर आपकी जिंदगी बदलने में मदद करेगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। हर एक घंटा आपको कुछ देखे जाएगा, 24 घंटे में से एक घंटा JINC के नाम, और वो एक घंटा आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। मैं हर डे एक बेटर MCQ वाला टॉपिक लेके आऊंगा, बेस्ट कंटेंट आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। बस अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना स्नेह JINC परिवार के साथ बनाए रखें, ताकि JINC आपके लिए लगातार मेहनत करता रहे। और कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग कोर्स परचेज करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मां बाप का रिस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का आदर करिएगा, ना किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है, और ना बड़ी बड़ी फेंकनी है, जो कर सकते हो वो ही करने की कोशिश करना है। तो कल फिर मुलाकात करूंगा बच्चों आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।